अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे क्रिस्पी ट्रिल चिकन स्टिक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हम नूडल्स में बनाते हैं, लेकिन आज इसे हम समोसा पट्टी में बनाएंगे। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिए, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इसमें हम हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ग्रीन मिर्च की पेस्ट, हाफ टेबल स्पून अजीना मोटा, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। और इसमें हम 1 अंडा ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक और मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद भी अगर ये चिपचिपा लगे तो हमें इसमें और थोड़ा सा मैदा ऐड करना है। हमने और थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी, हमें चिकन को ऐसे पतले पतले कट करना है। अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे मैरिनेट कर होने। हम ये स्टिक्स ली है और हमारे चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम एक स्टिक्स लेंगे, उसमें हमारे चिकन पीस को लगा देंगे। ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। हमें 1 स्टिक्स में 2 पीस लगाना है। देखिए, हमें स्टिक्स में 1 पीस लगाना है और उसके ऊपर हमें 2 पीस लगाना है। ऐसे ही करके हम सारी चिकन स्टिक्स रेडी कर लेंगे। देखिए, हमने सारे चिकन स्टिक्स रेडी कर ली है। अब हम समोसा पट्टी लेंगे और उसे पतले स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे। अगर आपके पास नूडल्स अवेलेबल ना हो तो आप इसे समोसा पट्टी में भी बना सकते हो। ये समोसा पट्टी में भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। हम इसे ही करके समोसा पट्टी को कट कर लेंगे और उसे एक प्लेट में समोसा पट्टी की स्ट्रिप्स लगाएंगे और हमारे जो चिकन स्टिक्स बनाई है वो समोसा पट्टी के ऊपर लगाएंगे। और इसे हमें हाथों से अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारी समोसा पट्टी की स्ट्रिप्स से वो चिकन के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमें इसके ऊपर चिकन के ऊपर समोसा पट्टी को रखना है और इसे थोड़ा सा प्रेस करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। देखिए, हमें ऐसे करके हमारे सारे चिकन स्टिक्स को रेडी कर लेना है। दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये तल फ्राई करने के बाद खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने सारी चिकन स्टिक्स रेडी कर ली है। अब हम तेल गरम करने रखेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें हमारी चिकन स्टिक्स फ्राई करने के लिए नाखेंगे। हमारी चिकन अंदर से कच्ची है, इसलिए इसे हमें लो फ्लेम पर पकाना है। हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करना है और इसे अलट पलट कर गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। हम इसकी एक साइड चेंज करेंगे और इसे देखिए, हमें गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लिया है। देखिए, हमारी सारी चिकन ट्रिल्स चिक्स बनके तैयार है।
ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ, हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।